यदि आप भी एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी से की ओर से अभी अभी जस्ट तुरंत एक ऑफिशियल ने नोटिस आए हैं। तो वह ऑफिशियल नोटिस क्या है यदि आप सभी नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करें कि यदि आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि एसएससी हो चाहे रेलवे हो चाहे बैंक हो चाहे सेल हो, हर पल पल खबर की जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जब भी हम कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़े। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि एसएससी के जो है अभी जस्ट स्टूडेंट एमटीएस को लेकर एक नए ऑफिशियल नोटिस जारी किए, जिसे आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। आइए इस ऑफिशियल नोटिस के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, हर क्या लिखे गए आखिर इस ऑफिशियल नोटिस में, पूरी जानकारी के साथ यहाँ पर हम लोग अवगत कराते हैं। वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो के साथ कहीं पर भी जाए नहीं, मिस ना करें, वन भी मिनट मिस ना करें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ जो 8/5 को है, यह जो इन्फॉर्मेशन को अपलोड किए गए एसएससी की तरफ से, जो डायरेक्टली दिल्ली से पब्लिश किए गए हैं, यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट नोटिस। आइए इस नोटिस के बारे में समझते हैं और जानते हैं वन बाय वन करके कि आखिर इस नोटिस पर जो है क्या वैल्यू लिखे गए हैं। जानकारी के लिए वीडियो के साथ जरूर से जरूर बने रहें, जैसे कि इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, लिखे गए हैं मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ सिलेक्शन 2019, एस्पायरिंग कैंडिडेट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019। मे रेफर टू द इम्पॉर्टेंट नोटिस अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन 2/5/2019। यानी जैसे कि आप सभी को पता है 2/5/2019 को एक अपलोडेड किए गए थे, कैंडिडेट आर हेयर बाय अगेन एडवाइज इन देयर ऑन इंटरेस्टेड, जैसे कि 2/5 को एक बार अपलोड किया गया था, उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं और फिर से एडवाइस दे रहे हैं कि ऑन इंटरेस्ट, यदि आपको इंटरेस्टेड है टू सबमिटेड देयर ऑनलाइन अप्लीकेशन मच बिफोर क्लोजिंग डेट 29 मई। यानी कि आप सभी को पता है कि 29 मई को जो है एमटीएस का फॉर्म को क्लोजिंग का डेट आ चुके हैं। फिर इसके बाद लिखे गए नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट एज देयर मे बी हैवी ट्रैफिक ऑन दी सर्वर ड्यूरिंग द लास्ट डे फॉर सबमिशन ऑफ दी अप्लीकेशन। यहाँ पर कहे जा रहे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जब 29 तारीख आ जाते हैं तब वे क्या करते हैं, फॉर्म को भरना जो है स्टार्ट करते हैं। तो वही एसएससी की तरफ से एक नोटिस जारी की गई कि आप कृपया करके अपने लास्ट डेट का इंतजार ना करें, उससे पहले पहले जो आप सभी अपना अपना फॉर्म को भर लें। क्यों फॉर्म को भर लें, क्योंकि जो ट्रैफिक होते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जम हो जाते हैं, जिसके कारण सर्वर पर जो है लोड पड़ जाते हैं, जिसके कारण आप सभी जानते होंगे कि फॉर्म नहीं सबमिट हो रहे हैं, कभी एग्जामिनेशन फी कट चुके लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो उस बात को लेकर जो एसएससी आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि कृपया करके आप लास्ट डेट से पहले पहले भर ले। तो नीचे आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपने अभी तक एमटीएस का फॉर्म भरे या नहीं भरे, अगर भर लिए तो भी कमेंट करें, नहीं भी भरे तो भी कमेंट करें, इससे हमें इस बात की पुष्टि होगी कि क्या वाकई में कितने लोग अभी तक फॉर्म को अप्लाई किए और कितने लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं किए। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होंगे, तो कितने लोगों को हेल्पफुल लगे नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ कमेंट जरूर करें कि एमटीएस का फॉर्म आपने अभी तक भरे या नहीं भरे। तो फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ, कोई एक नई जानकारी के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए। यदि आप MTS हो, रेलवे हो, बैंक हो या SSC का पल पल खबर जानने के लिए, तो फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।